आज मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ सर्दियों का स्पेशल बच्चों का फेवरेट हरा भरा स्नैक्स। ये मैं बनाने वाली हूँ हरी मटर से। बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम हरी हरी सब्जियाँ और टेस्ट एकदम बढ़िया। टेक्सचर इज अमेजिंग। बच्चे तो झटपट सारे ही खा जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चॉपर का यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप फ्रेश मटर। मार्केट में बहुत आ रही है। अगर आपके पास हरी मटर नहीं है तो आप फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। हरी मटर को लंबे समय तक कैसे स्टोर करना है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपको लिंक नीचे शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मटर को चॉप कर लें। आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे दरदरा पीस सकते हैं। अब हम लेते हैं एक बोल, इसमें सारे क्रश किए हुए मटर डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप हरा धनिया को मटर के साथ भी चॉप करके ले सकते हैं। अब इस टेस्टी रेसिपी को और टेस्टी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/4 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 2 चम्मच शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट और 1 उबला और मैश किया हुआ आलू बाइंडिंग के लिए, और साथ ही थोड़ी सी पनीर को ग्रेट करके डाल दें। आप इसमें बहुत सारी वेजीज को डाल सकते हैं, जैसे पालक को बारीक कट करके डाल सकते हैं, गाजर को भी डाल सकते हैं। आप इसमें अपने फ्लेवर की कोई भी वेजीज को डाल सकते हैं। नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी काली मिर्च क्योंकि हम यहाँ पर लाल मिर्च का यूज नहीं करेंगे। और इसे ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। आप गरम मसाले की जगह पर थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डालें 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट इसका गार्लिक पेस्ट ही होगा। अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसी के साथ इसमें डालूंगी ओट्स का पाउडर। मैंने यहाँ पर प्लेन फ्लेवर के ओट्स को मिक्सर जार में पीसकर उसका पाउडर बना लिया है। इसे डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें। अक्सर क्या होता है, जब हम पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को चॉपर में चॉप करते हैं तो वो पानी रिलीज करती है, तो हमें वो पानी को निकालना नहीं है। जैसे हम अक्सर सब्जियों का पानी मसलिन क्लॉथ में डालकर निकाल लेते हैं या फिर मंचूरियन के जैसे हाथों से पानी निकाल देते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यही पानी हमें बाइंडिंग में हेल्प करेगा। ये देखिए, इसका एक डो बना देंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इनको 2 अलग अलग शेप में फ्राई कर सकते हैं। पहली, हाथों में थोड़ा सा पानी या तेल लगाकर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। फिर इन्हें ओट्स में रोल कर लें। ओट्स की कोटिंग करनी है इसके ऊपर। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप वर्मीसिली, जिसे सेवैयाँ कहते हैं, आप उसे भी ले सकते हैं या फिर आप सूजी का भी कोट कर सकते हैं। आप इन बॉल्स को बनाकर फ्रीजर में रख दें। फिर जब आपका मन हो खाने का आप इन्हें निकालकर डीप फ्राई कर दें गरम तेल में। इस स्नैक्स को टूथपिक स्नैक्स भी कहते हैं। ये तो हो गया पहला स्नैक्स। चलिए मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। इन्हें फ्राई करने के लिए एक प्लेन सरफेस की प्लेट चाहिए। मेरे पास ये मिठाई की ट्रे है। आप इस तरह की थाली भी ले सकते हैं या फिर आप चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हैं। अब ट्रे को थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर लें। तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेकर थाली की प्लेन सरफेस पर रख दें। इसे फ्लैटन करना है पूरा। इस तरह से दबाकर पूरा फ्लैट कर दें। जितना पतला और लंबा रखेंगे उतना ही क्रिस्पी बनेंगे। इसे प्लेट की एजेस पर करना है, मींस ऑयल में डालने में इजी होगा। ये देखिए, इस तरह से ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला, क्योंकि अगर आप पतला हो रखेंगे तो फ्राई करते समय हार्ड हो जाएगा और मोटा रखेंगे तो अंदर तक प्रॉपर कुक नहीं होगा। इसीलिए इस तरह से आप नाइफ की हेल्प से या स्पून की हेल्प से उसके एजेस क्लियर करके एक स्क्वायर बना दिया है। और आप अब इस तरह से नाइफ से कट करते जाइए और डायरेक्ट ऑयल में डालते जाएं। अगर आप हाथों से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, बट ऐसा करने से इसकी प्रॉपर शेप अच्छी आती है। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें।
आप पहले एक डालकर देखें, अगर वो फट रहा है तो आप उसमें थोड़ा कॉर्न स्टार्च डाल दीजिए। बाइंडिंग प्रॉपर ना होने के कारण ये टूट जाते हैं और इस तरह से चम्मच की हेल्प से उलट पुलट करते रहें। आप गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें जिससे ये अंदर तक क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप गैस का फ्लेम तेज रखेंगे तो तेल बहुत ही गर्म हो जाएगा और बाहर से इनमें कलर तो आ जाएगा बट अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इन्हें आप हाफ फ्राई भी करके रख सकते हैं, फिर आपको जब खाना हो फ्रिज में से निकालिए, फिर फुल हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई कर लीजिए। जैसे हम फिंगर चिप्स बनाते समय करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अगर आपके बच्चों की बर्थडे पार्टी है, स्नैक्स पार्टी है, आपको कभी भी खाना है, आप इन्हें एक दिन पहले हाफ फ्राई करके फ्रीजर में बनाकर रख दीजिए। फिर जब सर्व करना हो आप खूब गर्म ऑयल कीजिए और इन्हें डीप फ्राई कर दीजिए। सिर्फ 2 मिनट में आपका स्नैक्स रेडी हो जाएगा। ये रेडी हो चुके हैं, इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल देती हूँ। इसी तरह से अब दूसरी बैच भी डाल देते हैं। अब रोल्स को भी फ्राई कर लेते हैं। आप इसमें आपकी चॉइस की कोई भी वेजीज डाल सकते हो जो बच्चे नहीं खाते हैं। बच्चे इसी तरह से वेजिटेबल भी खा लेंगे और उनकी स्नैक्स पार्टी भी हो जाती है। हमने जो सब्जियों को चॉप किया है तो इसमें एक एक सब्जी अच्छे से दिख रही है। मटर क्रश किए हुए दिख रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये बॉल्स भी। इसका क्रंचीनेस आपको हर एक बाइट में फील होगा। ये बॉल्स भी तैयार हो गए हैं। ये टेस्टी क्रिस्पी मटर स्नैक्स को आप शेजवान सॉस के साथ भी खा सकते हैं। आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही डिफरेंट स्नैक्स है, इजीली बना भी सकते हैं, टाइम सेविंग भी है। आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्नैक्स कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में एक और नई इजी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।